ईरान और इजराइल जंग में कूद पड़े हैं। इनके युद्ध से खाड़ी में तनाव बढ़ता दिख रहा है। खबरें कुछ ऐसी भी हैं कि ईरान के पक्ष में कुछ खाड़ी देशों में अघोषित गुटबंदियां हो रही हैं। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि बैकडोर से अमेरिका समेत कुछ देश इजराइल को पूरी मदद पहुंचा रहे हैं। अभी दोनों एक दूसरे पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं, लेकिन खतरा तो इस बात का है कि किसी भी वक्त दोनों देशों के बीच आमने सामने की जंग शुरू हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसके परिणाम बहुत भयंकर और विनाशकारी हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों देश छोटे जरूर हैं, लेकिन ये जबरदस्त घातक सैन्य क्षमताओं से लैस हैं। IISK की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 9 F-4 और F-5 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन, रूसी निर्मित सुखोई 24 जेट का एक स्क्वाड्रन और कुछ MiG-29, F-7 और F-14 विमान हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानियों के पास लक्ष्य पर उड़ान भरने और विस्फोट करने के लिए डिजाइन किए गए पायलट रहित विमान भी हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान के ड्रोन शस्त्रागार की संख्या हजारों में है। ईरान के पास सतह से सतह पर मार करने वाली 3,500 से अधिक मिसाइलें हैं, जिनमें से कुछ आधे टन के हथियार ले जा पाने में सक्षम हैं। हालांकि इनमें ऐसी मिसाइलें कम ही हैं जो इजराइल तक पहुंचने में सक्षम होंगी। ईरान ने सुखोई 24 को किसी भी संभावित इजरायली हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने को कहा है, लेकिन 1960 के दशक में बने सुखोई 24 जेट विमानों पर ईरान की निर्भरता उसकी वायु सेना की क्षमता को कमजोर करती है। अपने बचाव के लिए ईरान रूसी और घरेलू स्तर पर निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और वायु रक्षा प्रणालियों के मिश्रण पर निर्भर है। तेहरान को 2016 में रूस से S-300 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम मिला था, जो लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ये विमान और बैलिस्टिक मिसाइलों समेत कई लक्ष्यों को एक साथ भेदने में सक्षम है। ईरान के पास घरेलू स्तर पर निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्लेटफॉर्म बावर 373 के साथ सैयद और राद डिफेंस सिस्टम भी हैं। अब बात अगर इजराइल की करें तो इजरायली एयरफोर्स के पास सैकड़ों F-15, F-16 और F-35 जैसे एडवांस जेट लड़ाकू विमान हैं। इसके लिए अमेरिका से उसे बड़ी सहायता मिली है। इजराइल ने डिफेंस सिस्टम की मदद से ही बीते हफ्ते ईरान की ओर से दागे गए 350 ईरानी ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया था। इजराइल की वायुसेना के पास लंबी दूरी के बम वर्षकों की कमी है। उसका बोइंग 707 का एक छोटा बेड़ा ईंधन भरने वाले टैंकरों के रूप में काम आता है, जो इसके लड़ाकू विमानों को पिन पॉइंट उड़ानों के लिए ईरान तक पहुंचने में सक्षम बना सकता है। ड्रोन तकनीक के अगुआ इजराइल के पास हेरोन पायलट रहित विमान है, जो 30 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरने में सक्षम है, जो दूर दराज के संचालन के लिए पर्याप्त है। माना जाता है कि इजराइल ने लंबी दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइलें विकसित कर ली हैं, लेकिन वो इसकी पुष्टि नहीं करता है। इजराइल के पास सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली प्रणाली एरो 3 भी है, जो अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकती है। एक पुराना मॉडल एरो 2 कम ऊंचाई पर काम करता है। मध्य दूरी की डेविंग स्लिंग बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों का मुकाबला करती है। कम दूरी का आयरन डोम सिस्टम गाजा में हमास और हिजबुल्ला के रॉकेट और मोर्टार से निपटने में इजराइल की सहायता करता है। इस तरह से दोनों ही देश अपने ढंग से शक्ति संपन्न हैं और घातक क्षमताओं से लैस हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।